20 अगस्त 1995 रात के 2:46, दिल्ली जाने वाली कालिंदी एक्सप्रेस फिरोजाबाद से निकल ही रही थी। ट्रेन को चला रहे थे लोको पायलट एसएन सिंह। उन्होंने देखा कि ट्रैक पर एक नील गाय खड़ी है। इससे पहले कि सिंह ट्रेन को रोक पाते, ट्रेन नील गाय से जा टकराई। इस टक्कर से ट्रेन के वैक्यूम ब्रेक एक्टिव हो गए और ट्रेन अपनी जगह पर ही खड़ी हो गई। इधर फिरोजाबाद स्टेशन के वेस्ट केबिन में फ़ोन बजा। केबिन गोरीलाल ने फ़ोन उठाया। फ़ोन पर असिस्टेंट स्टेशन मास्टर SB पांडे थे। उन्होंने गोरीलाल से पूछा कि ट्रैक क्लियर है। गोरीलाल ने जवाब दिया हाँ। पांडे ने पुरुषोत्तम एक्सप्रेस को हरी झंडी दे दी, जिसे उसी ट्रैक से गुजरना था जिस पर कालिंदी एक्सप्रेस खड़ी थी। 100 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज़्यादा रफ्तार से पुरुषोत्तम एक्सप्रेस फिरोजाबाद स्टेशन से निकली। थोड़ा ही आगे चलकर ड्राइवर ने देखा कि ट्रैक पर एक ट्रेन पहले से खड़ी है। ड्राइवर के पास इमरजेंसी ब्रेक लगाने का ऑप्शन था, लेकिन वो जानते थे कि इतनी रफ्तार में ब्रेक लगाएं तो ट्रेन के सभी डिब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे। उनके पास अब ज़्यादा कुछ करने का ऑप्शन नहीं था। कुछ ही सेकेंड के बाद पुरुषोत्तम एक्सप्रेस कालिंदी एक्सप्रेस में पीछे से जा घुसी। ट्रेन की बोगियों में सो रहे सैकड़ों लोगों की जानें मौके पर ही निकल गई। बोगियाँ एक दूसरे के ऊपर चढ़ गईं, सैकड़ों लोग उन बोगियों में पिस गए। जैसे जैसे सूरज निकला, हादसे की भयावहता भी सामने आने लगी। ट्रैक के आसपास शरीर के अंग बिखरे पड़े थे। किसी बॉडी का हाथ गायब था तो किसी का पैर, किसी का केवल धड़ ही बचा था। अगले 3 दिन तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। कई बॉडी ऐसी थी जिन्हें पहचानना भी मुश्किल था। ट्रैक के पास पड़े शरीर के अंग इकट्ठे किए गए, उन्हें एक साथ जलाया गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 305 लोग मरे और 393 लोग घायल हुए। ट्रेन रुकने के बाद ड्राइवर की जिम्मेदारी थी कि वो नज़दीकी स्टेशन को इसके बारे में बताए, लेकिन उन्होंने इसकी सूचना किसी को नहीं दी थी। उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि केबिन मैन ने ट्रेन की लाल लाइट को देखकर समझ लिया होगा कि ट्रेन रुक गई है। गोरेलाल केबिन से बाहर निकलकर देखते तो उन्हें ट्रेन का पिछला हिस्सा दिख जाता। साथ ही केबिन के एक पैनल लगा होता कि जब ट्रेन सिग्नल को पार करती है तो इस पैनल का लाइट हरी जलती है। गोरेलाल ने इस पैनल पर भी ध्यान नहीं दिया। पांडे ने गोरेलाल से ट्रैक क्लियर होने के बारे में पूछा। इसके बाद उनकी जिम्मेदारी थी कि अगले स्टेशन से भी पूछते कि ट्रेन वहां पहुंची या नहीं। उन्होंने अभी अपनी जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभाई थी। 1977 में देश में इमरजेंसी ख़त्म हुई और चुनाव हुए। इमरजेंसी की वजह से विलन बने इंदिरा गांधी पूरी तरह चुनाव हार चुकी और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। उन्होंने चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पद की जिम्मेदारी दी, लेकिन ये सरकार ज़्यादा दिन नहीं चल सकी। 27 जुलाई 1980 को मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री का पद छोड़ना पड़ा। अगले दिन कांग्रेस के समर्थन से चरण सिंह प्रधानमंत्री बने। उन्हें बहुमत साबित करने के लिए 20 अगस्त तक समय मिला। जैसे जैसे ये तारीख नज़दीक आती, चरण सिंह को खबरें मिलने लगी थी इंदिरा गांधी विश्वास मत के दौरान उनका समर्थन नहीं करेंगी। ऐसे में ये तमाम राजनीति उत्तर प्रदेश के उन इलाकों से गुजरती चली गई जहाँ ट्रेन जैसे भयानक हादसे हुए थे, और इसे भी उस वक्त की राजनीति ने काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया था।